हाय एवरीवन, अगर आप कनाडा में पीआर होना चाहते हैं तो कौन कौन से कनाडा पीआर के पाथवेज या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन या क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या कोई पीआर पाथवे अवेलेबल है भी या नहीं, या अगर अवेलेबल है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वैसे तो देखा जाए तो कनाडा के पास बहुत सारे पीआर प्रोग्राम्स है। वी हैव ओवर 100 पीएनपीस, एक्सप्रेस एंट्री है, इन्वेस्टर प्रोग्राम है, अलग अलग टाइप्स के वर्क परमिट के प्रोग्राम्स अवेलेबल है, एंड ऑल्सो अगर आप कनाडा एज ए स्टूडेंट आते हो तो उसके बाद के भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर ये जो सारे प्रोग्राम्स है, चाहे वो पीएनपी हो गया, रीजनल पायलट हो गया, एक्सप्रेस एंट्री हो गया, इन्वेस्टर प्रोग्राम हो गया, सबके रिक्वायरमेंट्स बहुत ही अलग अलग है और ये सब चीजों की जानकारी होना भी, लाइक आई सेड, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं चीजों की जानकारी को लेके मैं आ रही हूँ लाइव। आई एम होस्टिंग अ वेबिनार और अ लाइव सेशन ऑन March 18, 2023, 12 PM ईस्टर्न टाइम जोन। तो अगर आप इस सेशन में जुड़ना चाहते हो तो आपको इसके लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना एक स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा, एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन डू दैट। सो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल लाइक दिस, click the link in my bio and book the session from here, or you can go to my website, which is www.zascanada.ca, go to contact us, click on the button, scroll down, and you're able to see the booking is done from this button over here. तो चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हो, चाहे आप अंडर द एज ऑफ 30 हो या ओवर द एज ऑफ 30, 35, 40, 45, आप इस सेशन में जुड़ सकते हो और इस सेशन के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपके एज ग्रुप, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के हिसाब से किस तरह के पीआर प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल है।